नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर को, ढूंढने जा रहे हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं? प्रशांत किशोर का कोई अता पता नहीं है। प्रशांत किशोर जब से अपने बरबोलेपन वाले बयान के लिए ट्रोल किया जा रहे हैं, उसके बाद से उनका पता ही नहीं चल रहा है कि प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं। प्रशांत किशोर को अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाजपा 2019 की स्थिति में इस बार रहेगी और वो 303 से प्लस और 370 के बीच में रहेगी, यानी सिर्फ एनडीए गठबंधन में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से लेकर के अभी तक लगातार प्रशांत किशोर की खिंचाई की जा रही है, उनको खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उनसे सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप भाई बड़े महान पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, लेकिन आपका दावा क्यों फेल कर गया? बताइए प्रशांत किशोर जी, आप कहाँ हैं? ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसको आप पचा पा रहे हैं कि नहीं? प्रशांत किशोर जी को पानी का बोतल ऑफर किया जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार में बड़ी मेहनत कर जन सुराज यात्रा कर रहे थे, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम पार्टी बनाएंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने तमाम जिलों में घुमा, वहां से लोगों से जो आउटपुट था उसे प्राप्त किया, तो उसमें प्रशांत किशोर की भी बात हुई। और प्रशांत किशोर के बारे में लोगों ने यह कहा कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है बिहार में, प्रशांत किशोर से कुछ होने जाने को नहीं है। हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर से क्यों नहीं कुछ होगा? जन सुराज पद यात्रा कर रहे थे, इतना ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा था। तो लोगों ने साफ तौर पे कहा, पढ़े लिखे लोगों ने कहा, गरीब लोगों ने कहा कि हाँ आए थे पियरका झंडा वाले टेंट वाले, हाँ आए थे, चले गए। अगर उनको इतना ही चिंता रहती, अगर वो वास्तव में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट होते, अगर वो वास्तव में चुनाव जीतने का हाल जानते होते, अगर उन्हें वास्तव में हवा का रुख बदलने आता होता, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में वो ज्यादा नहीं 3-4-5 ही सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारते और उन्हें चुनाव जिता देते और अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं और ये बताते हैं कि देखिए हम जन सुराज पद यात्रा किए हैं और 5 को सिर्फ उम्मीदवार उतारे, अब 5 उम्मीदवार हम जिता लिए। तो प्रशांत किशोर को हवा का रूप पता था कि इस बार हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हमको घंटा सीट मिलने वाला है, इसीलिए प्रशांत किशोर इस बार के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे। अगर प्रशांत किशोर लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर को तो कम से कम 5 सीट पर अपने लोकसभा का उम्मीदवार उतारना चाहिए, उन्हें जिता करके लोकसभा भेजना चाहिए बिहार से, ताकि बिहार के लोगों के बारे में, बिहार के जो हालात हैं, बिहार में जो गरीबी है, बिहार के लोग किस तरह से जी रहे हैं, उसका तो कोई सवाल उनके तरफ से संसद भवन में उठाता। प्रशांत किशोर जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रशांत किशोर का एक भी उम्मीदवार नहीं होना, ये पहले ही बता दिया कि प्रशांत किशोर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है, प्रशांत किशोर सिर्फ अपना रोटी सेकना जानते हैं, गरम तावे की तलाश में रहते हैं और जहां गरम तावा मिल जाता है अपना रोटी सेक के फुला करके निकल जाते हैं, उसके बाद वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगते हैं कि हम बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है। हिमाचल में लेकर के ट्वीट किया था प्रशांत किशोर ने, करण थापर के इंटरव्यू में तूतो मैमे की स्थिति हो गई और प्रशांत किशोर ने कह दिया कि कोई वीडियो है तो बताइए, इस तरह से आप हम पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपने उस इंटरव्यू को भी देखा था कि किस तरह प्रशांत किशोर खुद को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। इस बार तो पूरा भारत देश उनको खोज रहा है कि 2014 में आप नरेंद्र मोदी के साथ में काम किए थे और लगातार भाजपा का जिस तरह से आप गुण गा रहे थे, तो कहाँ हैं? आपने जो दावे किए थे वो दावा सही नहीं हुआ। अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, अगर आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो आपका दावा इस बार क्यों फेल हो गया? प्रशांत किशोर जी जवाब दीजिए। अब देखिए किस तरह से ट्विटर हैंडल पर, किस तरह से एक्स हैंडल पर प्रशांत किशोर को ट्रोल किया जा रहा है। कुछ ट्विटर हैंडल को मैंने देखा, सोचा कि आपको भी बता दूं। ये देखिए किस तरह एक्स हैंडल पे प्रशांत किशोर का मजाक बनाया जा रहा है। मजाक भी क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान ही दिया, इस तरह का एग्जिट पोल ही सामने रखा कि प्रशांत किशोर का मजाक बनना तय था। अनिल लिखते हैं कि
अनिल यादव लिखते हैं कि हाँ भाई प्रशांत किशोर, क्या हालचाल है? दो दिन तुम्हें कुछ नहीं कहा, मालूम था दर्द में होगे, शिकायत विकाई कर रहे होगे। और बताओ कुछ हाले दिल? पानी वानी की चिंता मत करना, मानसून भारत में आ चुका है, 10 दिन में बिहार में भी आ जाएगा, फिर खूब छक्कर पानी पीते रहना। तो ये प्रशांत किशोर पर अनिल यादव जो हैं लगातार कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्विटर पे प्रशांत किशोर को ट्रोल किया जा रहा है, बुरी तरह से प्रशांत किशोर को ट्रोल किया जा रहा है, खोजा जा रहा है कि आखिर में प्रशांत किशोर जी हैं कहाँ। अब देखिए मैं दिखाता हूँ रोहिणी सिंह क्या लिख रही हैं। रोहिणी सिंह, उससे पहले मैं दिखा दूँ प्रशांत भूषण, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वो क्या लिख रहे हैं कि वेयर आर यू एग्जिट पोलिस्टर एंड प्रशांत किशोर डांसिंग अराउंड ऑन गोदीम इंडिया फॉर 2 डेज क्लाइमिंग बीजेपी एट 300+ एंड 370 बट डिसअपीयर नाउ सो मच फॉर देयर क्रेडिबिलिटी। प्रशांत किशोर और एग्जिट पोल देने वाले कहाँ हैं? 2 दिन गोदी मीडिया की तरह नाचने वाले, बीजेपी को 300+ और 370 तक ले जाने वाले, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो प्रशांत भूषण भी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर पर। तो इस तरह से लगातार प्रशांत किशोर ट्रोल हो रहे हैं। रोहिणी सिंह देखिए क्या कर रही हैं। रोहिणी सिंह कह रही हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अखिलेश यादव कोई नेता नहीं है, राहुल गांधी को रिजाइन दे देना चाहिए मोरल ग्राउंड पे, और नीतीश कुमार इरेलेवेंट हो गए हैं, बीजेपी वेस्ट बंगाल में नंबर 1 की पार्टी बनेगी और 2019 की तरह ही इस बार भी जो है बीजेपी को बहुमत मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार अब तो NDA के पार्ट हो गए। रोहिणी सिंह प्रशांत किशोर को याद दिला रही है, लेकिन इतना सारा माहौल बनाने के बाद भी प्रशांत किशोर की एंट्री भाजपा में यानी मोदी में, मोदी के संगठन में यानी मोदी के फैक्ट्री में नहीं हो रही है। तो ये रोहिणी सिंह का बड़ा कटाक्ष हो रहा है। अब देखिए एक राफेल गांधी, वो देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर का मजाक बना रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने अभी तक अपनी वेबसाइट पर सिर्फ नतीजों के आंकड़े डाले हैं, एक भी वीडियो नहीं डाला है, इसीलिए अब तक तो प्रशांत किशोर जी की बात से ये देखिए कितना भिगा के मार रहे हैं राफेल गांधी। क्योंकि करण थापर वाले इंटरव्यू में कहा था प्रशांत किशोर ने कि कोई वीडियो है तो बताइए। करण थापर ने बताया था हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन को लेकर के, जिसको उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था, तो वो मानने से साफ इनकार कर दे रहे थे कि कांग्रेस का वहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा वो नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कोई वीडियो है तो दिखाइए। तो इसी पर ये कटाक्ष किया गया। अब देखिए 1 जून को प्रशांत किशोर किस तरह से एक बार बोलापन वाला बयान देते हैं। उन्होंने लिखते हैं कि अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, मतलब खाली बैठे हुए फर्जी पत्रकार, बरबोले नेताओं, सोशल मीडिया के स्वयं भी, मतलब ये तीनों तरह के प्लेटफॉर्म को वो बेकार बता रहे हैं, विशेषज्ञों को बेकार बता रहे हैं, फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिए, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की बात को मानिए। वहीं देखिए आदित्य गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, एक वीडियो डाल रहे हैं और बता रहे हैं ब्रेकिंग, कांग्रेस वर्कर ऑफर बोतल ऑफ वाटर टू एक्स स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर टू डाइजेस्ट द लोकसभा रिजल्ट। पानी का बोतल ऑफर किया जा रहा है पचाने के लिए लोकसभा रिजल्ट पे। तो इस तरह से लगातार प्रशांत किशोर को ढूंढा जा रहा है। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर के लोग किस तरह से खिंचाई कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे हैं, वो चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे उन्नीस यादव हो, चाहे रोहिणी हो, या फिर राफेल गांधी की आईडी हो, तमाम लोग प्रशांत किशोर को ढूंढ रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर जिस तरह से खुद को बिहार में स्टेब्लिश करने के चक्कर में थे, वो तो हो नहीं पाया। अब वो चाह रहे थे कि देश में फिर से एक बार इस हवा के रूप को समझते हुए हम अपना एक बयान दे दें और वो बयान साबित हो जाए तो फिर से मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, फिर से लोग मुझे जानने लगे। अगर वास्तव में प्रशांत किशोर जी लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आ रहे थे, तो उनके कैंडिडेट कहां थे? उनके कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि प्रशांत किशोर को खुद पता था कि हम 1 उतारे 2 उतारे 3 उतारे 4 उतारे 5 उतारे एक भी कैंडिडेट अगर हम उतारते हैं तो वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर ने इतने बड़े लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने अपना एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा। अगले साल विधानसभा का चुनाव हो सकता है, उससे पहले ही विधानसभा का चुनाव हो जा, देखते हैं प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर खुद को बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर धरातल पर ऐसा होते हुए दिखता तो आज सिर्फ भाजपा 303 पार कर रही हो।
होती, लेकिन ऐसा कुछ देश में नहीं हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं आप? फाइनल पोस्ट भी आपको ढूंढ रहा है, तमाम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। आकर के बताइए, लोगों को बताइए कि मैंने सिर्फ बैठे बैठे हवा के रुख को देखते हुए, राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के भाषण को देखते हुए मैंने ये कह दिया था कि ये आंकड़ा 300 पार जाएगा, लेकिन अब मैं क्षमा मांगता हूँ। क्या ऐसा कुछ प्रशांत किशोर कर सकते हैं? ये तो प्रशांत किशोर जाने करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ट्रॉल हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कहाँ है प्रशांत किशोर। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। प्रशांत किशोर को हम भी ढूंढ रहे हैं पूछने के लिए कि भाई प्रशांत किशोर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। धन्यवाद, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।